हल्द्वानी से ही एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की दांतों से उंगली काट दी गई। जी हाँ, ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला कुछ यूं है। दरअसल आपको बता दें, पुलिस को दी तहरीर में एक फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक मनोहर सिंह धोनी निवासी जीतपुर निगलटिया लामाचौड़ ने बताया कि वह अपने सहकर्मी आनंद बिष्ट की गाड़ी से रात करीब 10:30 बजे तिकोनिया पहुंचे। यहां पर जैसे ही वो अपनी कार में बैठने लगे तो 5 अज्ञात युवक तेजी से आए और छीना झपटी करने लगे, जिसके बाद छीना झपटी के दौरान उनकी सोने की चेन और एक अंगूठी गायब हो गई। उन्होंने विरोध किया तो एक आरोपी ने उनके बाएं हाथ की उंगली को दांतों से काटकर अलग कर दिया। शोर सुनकर उनके कार्यालय के कर्मचारी बाहर आए तो आरोपी भाग निकले। एक आरोपी की पहचान रोहित गुप्ता पुत्र धर्मपाल निवासी बरेली रोड के रूप में हुई है। वहीं घायल प्रबंधक का भोटिया चौकी क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। कोतवाल उमेश मलिक ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो देखा आपने, कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी शहर अब धीरे धीरे बदमाशों का अड्डा बनता जा रहा है। यहां पर रोजाना ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे सुनकर हैरानी सी होती है, और पुलिस के रातों में हो रही गश्त भी इस तरह की घटनाओं के कारण सवालों के घेरे में आ रही है।